गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और व्लॉग बहुत दिनों बाद बाद हो पा रहा है। क्लासेस बड़ी हेक्टिक चल रही हैं। मॉर्निंग क्लास है 8 to 2, फिर 8 to 2 वहाँ से फ्री होके घर पहुँचा, और शाम को फिर क्लास है 6 to 10। अभी सैटरडे संडे तो पूरे ऑलमोस्ट फुल आउट डे, 8 to 12:30 एंड देन 2 to 10 क्लास चल रही थी। तो आज कुछ राहत है, बीच में 3 आवर्स का ब्रेक मिलेगा। और आज सुबह सुबह हो रही है बारिश, तगड़ी बारिश। दिल्ली में सुबह से ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, तूफान, आंधी, पानी, सारी चीज़ें मिलेगी आप। और बस अब निकले हैं, आज थोड़ा सा ट्रैफिक जाम मिलने वाला है और रास्ते में, और आपको दिखाता हूँ इग्नो रोड में पानी कितना भरा हुआ है। गाइस ये देखो इग्नो रोड की हालत, जस्ट एक बारिश में ये हालत, पूरे दिल्ली की हालत होती है बिन मौसम बारिश, और ये है कहानी। आज सुबह से ताबड़तोड़ बारिश चल रही है, मानसून नहीं है, दैट इज प्री मानसून, बिफोर मानसून। नेवर है तो बढ़िया है, छोटी गाड़ियों की तो हालत खराब हो जाएगी बारिश में, लोग परेशान है। ये मेडिजी का इग्नो सेंटर, इग्नो सेंटर है मेडिजी का, बारिश का पाला। आज हैवी ट्रैफिक जाम भी होगा, तगड़ा जाम, और मुझे क्लास में होगा आज लेट, पक्का लेट होने वाला। हाँ 15 मिनट लग गए, 10 मिनट लग गए करीबन इग्नो रोड से बाहर निकलने में, और ये आलम है। ये देखो भाई, ये देखो पानी, देखो नदी, देखो आपको लगेगा नदी में। ओह माय गॉड, साइकिल वाले को देख रहा हूँ, सेंसर चालू किया, गाड़ी कोई नहीं है, सेंसर इसलिए क्योंकि पानी सेंसर तक टच कर रहा है। एंडेवर का वाटर रेडिंग टेस्ट तो देखा है, 0.8 मीटर तक दिक्कत नहीं है, पर कोई भरोसा नहीं कब कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी हो जाए। ये देख लो दिल्ली की हालत, केजरीवाल की प्यारी दिल्ली। चलो इधर से तो निकले, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ही प्यारा मौसम है, मस्त मौसम है घूमने फिरने वाला, पढ़ाने का मन नहीं कर रहा। ये देखिए इतना तेज तूफान है कि बीच बीच में कई जगह पे पेड़ भी गिरे हुए हैं, तगड़े पेड़ धराशायी हो चुके हैं, बड़े बड़े पेड़, और काफी केबल वगैरह भी कटे दिख रही हैं। तो मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है, अब सुबह के 8 बज रहे हैं, 8 बजे ऐसा मौसम, मजा आ रहा है। ऐसे में मन करता है ना लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, मस्त घूमो फिरो वापस आओ। हेलो वेलकम, एंड दिस इज द क्लास ऑफ मेडिजी सुल्तानपुर सेंटर, एंड द बैच, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैच? D and E. Yes sir. Okay, D plus E combined together. And what a strength, full strength. मजा आ जाता है क्लास ऑनलाइन से ऑफलाइन में, जब when you shift to offline मजा आ जाता है। And I thoroughly enjoyed, almost now कितने दिन हो गए? Almost nearing 10th day, 10 दिन हो गए, और बहुत मजा आया बच्चों को पढ़ाने में। और आप लोगों को कैसा लगा? इंडस्ट्रियल समझ में आया? Yes sir. Thanks a lot. Question सारे बनाओगे? Yes sir. कोई भी एक क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, छोड़ने का नहीं। बहुत मजा आया पढ़ाने में भी, क्वेश्चंस में भी, बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत परेशान भी किया है, डाउट्स बहुत ज्यादा पूछी है, मैंने कुछ हो गए, वो एक टोपी वाले भैया ये रोज क्वेश्चन लेके आते हैं, और कह रहे हैं देखिए ये बैठे हुए, ये विवेक अभिषेक है ना, अभिषेक और विवेक, और ये दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, इधर ये वाले भी क्वेश्चन पूछने वाले। पर अच्छा है, मजा आया, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई क्वेश्चंस पूछता है, मतलब आप जो दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, दे आर गेनिंग इट एंड ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, सो दैट्स व्हाई वर्क हार्ड, साइन राइज बेटर, एंड थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन। सी दीज आर द स्टूडेंट्स, सब मतलब आज मेरे ख्याल से सभी नहा के आए हैं, इट इज आवर फर्स्ट डे, सभी लोग नहा के आए हैं, और मैं आपको मार्क करके बता सकता था पहले कि जो जो बच्चे नहा के नहीं आते थे आज भी वो नहा के आए हैं, और कुछ बच्चे तो जैसे मैंने बोला कि अभी जस्ट
व्लॉग बनाने वाला हो, दे रैन टू द वॉशरूम, मुंह वगैरह धो के भी आए है ना, फेस वॉश लगा के, और बिल्कुल तो बहुत ही मजा आया। सेंटर भी एक्सीलेंट है और बच्चे भी एक्सीलेंट, नो डाउट अबाउट दैट। तो गॉड ब्लेस यू ऑल, आप सब लाइफ में सक्सेसफुल हो, बहुत अच्छी जॉब्स मिले, अच्छी जगह हो, और कभी दुनिया का कोई भी दुख आपको टच करके रह ले, मेरी तरफ से दिल से दुआएं। थैंक्स अ लॉट। रीवा पहुंच गया, जस्ट छोटे सा काम था इसलिए सिर्फ दो दिन के लिए रीवा, और वापस दिल्ली जाना है। दिल्ली में भी बैच है ना, तो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई हैव टू स्टार्ट न्यू बैच, टुमारो नहीं सॉरी डे आफ्टर टुमारो। तो कल निकलेंगे रीवा से, परसों दिल्ली सुबह, और फिर बैच स्टार्ट, ऑफलाइन बैच। और अभी कुहूकल्प तो है उज्जैन में, बस मम्मी है मैं। हेलो मम्मी। हाँ गुड मॉर्निंग। मम्मी को बड़ा अच्छा लगा कि दो दिन के लिए तो आ गया है ना, घर में कुछ रौनक आ गई, बोर हो रही थी, बोर हो रही थी, हम क्या इसी बहाने कम से कम दो दिन के लिए तो आ गए, दो दिन जल्दी निकल जाएंगे, पर ठीक है, फिर अब 10 दिन बाद कल भी आ जाएंगे, तो मम्मी की बोरियत से मुलाकात होगी उनकी, तो मैं भी बहुत दिनों बाद मिल पा रही हूँ आप लोगों से, इस बीच ऐसा अवसर नहीं मिला, और घर में आप लोग बताइए सब लोग की हम लोग से मिल के अब आप लोग को कैसा लगा, अच्छा लगा, कैसा लगा, और कैसे हैं आप लोग सब, अपने अपने कमेंट्स में बताइए कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, किस में व्यस्त है। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के सबके, आप लोगों के ब्लॉग कम बन रहे हैं तो कमेंट्स भी कम होते जा रहे हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए क्या कर रहे हो, कैसा चल रहा है आपकी लाइफ में। और यहाँ बीच में हमारे बीच में थोड़ा सा बुरा फेस था फैमिली में, और उसी कारण थोड़ा सा मतलब अंदर से एक मन सा नहीं था उस टाइम पे। अब धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे वापस व्लॉग बनाना। काफी बच्चों के मैसेज मेल आ रहे हैं कि सर प्लीज बनाओ, ऐसा लग रहा था कि टच में है और अब लग रहा है कि जैसे कोई है नहीं गाइड करने के लिए, तो अगेन विल स्टार्ट, तो वेरी सून थोड़ा सा कुहूकल्प भी आ जाएंगे, तो फिर और ज्यादा उनकी बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं, कुहूकल्प की बदमाशियां बढ़ती जा रही हैं, वो भी मिलने के लिए बेताब है। अक्सर मतलब सौरभ से बोलते रहते हैं कि पापा ब्लॉग बनाओ, मिलाओ मिलाओ, और वो तो सारे टाइम बनाता भी रहता लेके अपना मोबाइल की दादी अब देखो ठीक देखो इधर करो दादी अब मैं ब्लॉग, कल के पास जो डमी मोबाइल है ना वो लेके बनाता रहता है। हेलो गाइस, पूरे टाइम बाबा पूरे टाइम उसका चालू रहता है, दादी क्या कर रही है। अभी बाबा फिलहाल बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं टाइम है, तो चलो दिखाते हैं पापा को। हाँ तो पापा यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग तो बोल दो पापा, गुड मॉर्निंग, हंस के मुस्कुराते हुए। तो पापा की एक्सरसाइज चल रही है सुबह सुबह, और मैं आपको दिखाता हूँ गार्डन। अरे गार्डन में काफी कुछ नया है, काफी चेंजेस आ चुके हैं। सबसे पहले तो ये देखो आम, इतना छोटा सा पेड़ है और इसमें आम देखोगे आप, ये देखो इधर आंधियां आई हैं तो काफी आम गिर गए हैं, पर अभी 8-10 ही बचे हैं, छोटा सा पेड़ है, नॉट वेरी बिग, पर अच्छे आम आए हुए हैं। इस वाले में तो अमरूद काफी कुछ आ चुके हैं, और मेरे ख्याल से जब तक कुहूकल्प वापस आएंगे उनको अमरूद मिलने वाले हैं। इस टाइम केले की बाहर है, देख रहे हो केला, इसमें केला है, धूप इतनी ज्यादा है इसलिए कवर कर रखा है इसको। एक केले का बंडल उधर आ रहा है, उधर, अरे तीसरा केला इस तरफ आ रहा है, थर्ड केला इधर, ये भी जस्ट आया है, बहुत छोटे छोटे केले हैं, तो बहुत सारे केले मिलने वाले हैं इकट्ठे, बहुत सारे। मौसम्मी, सी मौसम्मी के पेड़, बहुत छोटा पेड़ है पर इसमें मौसम्मियाँ आ गई हैं। इवन ये देखोगे नीचे तक में मौसम्मी, अभी छोटी है बढ़ेगी, देखो मौसम्मियाँ, मौसम्मी का पेड़, ये चीकू का पेड़ है, और वो लीची अभी बहुत छोटे हैं, ये वाला पेड़ लीची का है। और इस टाइम बाकी कुछ सब्जियां वगैरह ज़्यादा है नहीं, ये देखो इधर भी है आम के पेड़ में, ये आम का पेड़ छोटा सा पेड़ पर इसमें भी आम लगे हुए हैं। और ये अमरूद का पेड़ अगर आपको याद हो
पहला व्लॉग जो बनाया था कप्पू का, इसी का था, अमरूद तोड़ते हुए। तब वो अमरूद का पेड़ कप्पू से भी छोटा था हाइट में, कल्प, और उसके बाद अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो बस अब बगिया काफ़ी अच्छा लगता है, हरियाली, ग्रीनरी एट होम। ये बॉटम पाम काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं, स्पीड इनकी बढ़ गई है, अब तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उधर मम्मी की एक्सरसाइज चल रही है। तो गाइस, स्टूडेंट्स आर नोटिंग आउट द क्वेश्चन स्टेपिंग स्टोन मेथड, और बस बीच में मौका मिला कुछ बात करने का। दो दिन के लिए आया था रीवा, उसमें भी यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। शेड्यूल वॉज रनिंग आउट, तो दैट्स वाई समहाउ मैनेज्ड आउट। तो चल रहा है, यहाँ पे क्लासेस भी चल रही है, बच्चे भी लिख रहे हैं, इसलिए आराम कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ काम भी चल रहा है यहाँ पे रीवा में, काफ़ी कुछ काम पेंडिंग था, इस चक्कर में बीच में सिर्फ दो दिन के लिए आया था। नीचे चैनल का काम चल रहा है, बिकॉज बेसमेंट में ना पानी भर जाएगा बारिश में, उसके पहले चैनल बना के एक सम पंप लगा के उसको बाहर फेंकने का पूरा जुगाड़ कंबाइंड करके बनवाया है, वो चल रहा है। सेकंड, बाहर पुट्टी वाइट वॉशिंग वगैरह करवा रहा हूँ, अंदर इंटरनली दरवाजे वगैरह लगे हैं, वॉशरूम वगैरह तैयार हुआ है, जो ऊपर के बंद पड़े हुए थे वो सब, क्योंकि रेंट वगैरह पे अब शायद फर्स्ट फ्लोर भी जाने वाला है, कुछ बात चल रही है कुछ जगह पे, तो वेरी सोन फर्स्ट फ्लोर वाला पार्ट भी रेंट आउट होने वाला है। जो बस उन्हीं सब चक्करों के चक्कर में आया, एकदम साना पड़ा टू डेज के लिए, सिर्फ दो दिन के लिए। कुछ प्रॉपर्टी का भी काम था, नगर निगम का कुछ परमिशन वगैरह पेंडिंग थे, वो सब के चक्कर में, तो उसके कारण सिर्फ दो दिन के लिए। बस बच्चे नोट कर लें क्वेश्चंस, उनको समझा दिया है, और अभी डिक्टेशन बचा हुआ है। तो गाइज, जस्ट रीच दिल्ली, आज सुबह दिल्ली पहुँच गया, और आज से क्लास भी स्टार्ट करना है। सुबह मॉर्निंग 10 AM से क्लास स्टार्ट होगी, बैच स्टार्ट होगा, आई थिंक दैट इज़ एस प्लस एफ प्लस जी कम्बाइंड टुगेदर, तो दैट बैच आई विल स्टार्ट। और जो आज व्लॉग आएगा, काफ़ी दिन से मतलब बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, जो बैच मैंने लास्ट टाइम कंप्लीट किया था दिल्ली छोड़ने के पहले, रीवा जाने के पहले, व्लॉग बना तो लिया था पर एडिट नहीं कर पाया, अपलोड नहीं कर पाया। टुडे इट विल गेट अपलोडेड, दे विल एबल टू सी। ऑलरेडी गेटिंग द मैसेजेस, सर कहाँ गया हमारा व्लॉग, गायब हो गया। तो आज आपको व्लॉग मिल जाएगा, और होपफुली आपको व्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोशिश करूँगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की, आई एम ट्राइंग टू हार्ड टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्लॉग्स, और जल्दी से कौशिक भैया लोगों को भी ऐड करूँगा। तो होपफुली आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर से मिलते हैं अगले व्लॉग में, एंड डू कमेंट्स व्हाट यू वांट टू सी इन द व्लॉग्स। अगर आप प्रिपरेशन के बारे में या कोई स्ट्रेटजी जानना चाहते हैं वो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, आई विल ट्राई टू मेक दैट। थैंक्स अ लॉट। हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, और जीतता वो है जो कोशिश बार बार करता है। इसलिए कोशिश करें, शिकायत नहीं।